हमारी स्क्रीन में आपने काफ़ी सारे फीचर्स देखे होंगे स्क्रीन में, बट अब हम एक नया फीचर यूज़ कर रहे हैं अपने स्क्रीन में। अब तक आपने क्या किया कि हम जब स्क्रीन वायरलेस स्क्रीन से ऐड करते थे, इसमें क्या होता था कि हम वायरलेसली लैपटॉप के थ्रू प्रेजेंटेशन देते थे वायरलेस। लेकिन अब क्या है कि कई लोगों ने बोला कि हमारे को पूरे के पूरे स्क्रीन को रिमोट लेना है अपने मोबाइल के थ्रू, टैब के थ्रू, तो हमने उसका भी एक फीचर निकाल दिया है जिसमें क्या है कि आप ये जो स्क्रीन देखो, पूरे स्क्रीन का जो फीचर है आप रिमोट अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जस्ट हमारे स्क्रीन से आएगा सॉफ्टवेयर, आपको अपडेट करना है, फिर हमारे मोबाइल पर ऑलरेडी हम लॉग्ड इन है सॉफ्टवेयर के साथ, आप देख रहे हैं यहाँ पे का रिमोट हमारे पास है। जैसा आप डिस्प्ले में देख रहे हैं वैसा ही यहाँ पे सामने भी है। इससे क्या होता है कि अब हमें कुछ भी वर्क करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे होम स्क्रीन पे जाना है, तो हमने होम पे यहाँ पे क्लिक किया, स्टार्ट कंट्रोलिंग, होम पे जाना है, होम पे चले गए, होल्ड किया, वाइट बोर्ड ओपन करना है, वाइट बोर्ड ओपन कीजिए आपको जो भी लिखना है यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्टली। वापस आप क्लिक कीजिए, होम पे चले जाइए, या बैक पे जाना है बैक में चले जाइए, साइड में आप जब क्लिक करेंगे तो आपका ये फ्लैश सारे आइकन्स फ्लैश दिखेंगे आपको, ठीक है। यहाँ से आपको यूट्यूब ओपन करना है, यूट्यूब ओपन कीजिए, यूट्यूब को कंट्रोल करना है, यूट्यूब को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से फीचर ये आया है कि आप जितने भी एंड्रॉयड पैनल है हमारा, एंड्रॉयड पैनल के पूरा का पूरा कंट्रोल आप यहाँ पे ले रहे हैं स्क्रीन। रहेगा वायरलेस, आप अपने स्कूल क्लासेस या